हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आर चैनल वीनू डायरीज। शादी के बाद कैसे बदल जाता है जीवन, आज हम पांच बातों पर बात करेंगे जो शादी के बाद एकदम बदल जाती है। शादी करना कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं है कि आज शादी किया कल दूसरा दिन, नहीं, अपनी पूरी जीवन का बंधन होता है ये और बहुत अहम रिश्ता होता है। अगर हमारा ये रिश्ता अच्छे से चलता है तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता है, और अगर इस रिश्ते में उथल पुथल होती है तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आज हम वो पांच बातें जानते हैं जो शादी के बाद एकदम बदल जाती है। देखिए, कुछ लोग इसको अच्छा बताते हैं, कुछ लोग इसको अच्छा नहीं बताते, लेकिन हम आज ये पांच बातें जानें। पहली बात, शादी के बाद जो बदल जाती है वो होती है अपनी बातें शेयर करना। देखिए, शादी से पहले हम अपनी बातें अपने पेरेंट्स को या किसी को नहीं बताते थे तो चलता था, या इधर उधर की बताते, लेकिन शादी होने के बाद अब हमसे हमारा पार्टनर जुड़ गया है। चाहे आप मेल फीमेल कोई भी हैं, आपका पार्टनर आपसे जुड़ गया है, अब वहाँ पर आपको अपने पार्टनर को बातें बतानी ही पड़ती है, ना चाहते हुए भी बतानी पड़ती है। चाहे आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है, बतानी ही पड़ती है, जिसका इम्पैक्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। लेकिन शादी के बाद आपको अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो भी शेयर करनी पड़ती हैं। दूसरी बात जो शादी के बाद बदल जाती है वो होता है आपकी मन मर्जी पर लगाम लग जाती है। अभी तक आपका जो मन करता था वो ही करते थे, कहीं घूमने जाना होता था तो घूमने चले जाते थे, एक दिन दो दिन, नहीं आने का मन किया तो हफ्ता 15 दिन, मतलब आप पे किसी तरह की कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, आप जो मन में आया वही काम करते थे। लेकिन अब आपकी शादी हो गई है तो शादी होने के बाद आपका पार्टनर आपसे जुड़ गया है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, कोई आपका घर पे इंतज़ार करता है, तो आप ऐसा नहीं कि कहीं घूमने गए या किसी भी काम को देखा जाए तो उसमें भी आपको अपने पार्टनर से सलाह करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है। मतलब एक तरह से आप जो मन मर्जी से अभी तक करते थे, जो कोई भी काम करते थे, उस पर आपकी अब रोक लग जाती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होता है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तीसरी बात जो शादी के बाद जो बदलाव होता है वो होता है अपने रिश्तों के तालमेल को बिठाना पड़ता है। देखिए, शादी के बाद ना आपके सभी रिश्ते ना एकदम नए बन जाते हैं। आपके दोस्त के रिश्ते, आपके भाई बंधु के रिश्ते, ये तो नए हो ही जाते हैं, यहाँ तक कि आपके जो माता पिता के रिश्ते हैं, जो अभी तक आपके माता पिता थे, आपको समझते थे, लेकिन अब वो रिश्ता भी ना एक नया रूप ले लेता है, उसको आपको नई तरीके से संभालना पड़ता है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, रिश्तों का तालमेल बिठाना अगर आपको आता है तो आप अपने रिश्तों को अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर आप उलझ गए, आपको मैनेजमेंट नहीं आता, वहाँ पर आप उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, बहुत उथल पुथल मच जाती है। क्योंकि अब पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स को आप अगर घर में आते थे, आपको देर रात से अपने काम से अपने ऑफिस से घर आए, माता पिता से आपने बात नहीं की, आप सोने चले गए, कोई बात नहीं, अभी तक चलता था। लेकिन शादी होने के बाद आप अगर माता पिता से बात नहीं करेंगे तो वही माता पिता जो अभी तक कुछ नहीं बोलते थे, वही माता पिता आपको बोलेंगे, देखो बेटा बदल गया है, बात नहीं करता, सीधा सोने चला जाता है, सीधा अपने काम पे चला जाता है, मिलके तक नहीं जाता, जबकि आप पहले से ही ऐसा करते थे, आपके टाइम नहीं था। लेकिन अब क्योंकि रिश्ते ने एक नया रूप ले लिया है, यहाँ पर आपको रिश्तों को संभालना पड़ता है। लड़की के लिए भी ऐसा ही है, अगर वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती है तो उसके भी परिवार में ऐसे बोला जाता है कि देखो उसमें तो घमंड आ गया है, शादी होने के बाद इसमें घमंड आ गया है, जबकि उनका नेचर पहले से ऐसा था। मतलब रिश्तों का तालमेल बिठाना पड़ता है और हर रिश्ता नया बन जाता है। चौथा जो बदलाव आता है शादी होने के बाद वो होता है कि खुद के लिए समय बहुत कम रह जाता है, या फिर ना के बराबर ही। कुछ लोग तो बताते हैं कि उनके पास समय ही नहीं बचता, घर के कामों में, पार्टनर की देख रेख में उनका पूरा समय निकल जाता है, और होता भी है, फीमेल भी है, शादी होने के बाद उनके घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इन-लॉज की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अभी तक क्या था, उनके पेरेंट्स उनको संभाल लेते, सुबह 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, उनको चाय दिया, फिर वे नहाई धोई, उन्हें कोई घर के कामों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब शादी हो गई है, वो खुद एक जिम्मेदार हो गई हैं, अब उनको भी खुद भी एक पेरेंट्स बन गए हैं, अपने बच्चों के लिए उनको उठना पड़ता है, मतलब खुद को देने के लिए समय नहीं रहता,
और इसी बीच में समय अगर कोई निकाल पाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप मेल भी हैं तो आपके लिए भी, अब आपके पार्टनर की जिम्मेदारी है, उनकी भी देख रेख है, उनको देखना पड़ता है, उनसे बात भी करनी पड़ती है, पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ती है। पहले आप घर में जैसे रहते थे वैसे रहते थे, आप अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते थे, तो कोई बात नहीं, अब कोई आपका इंतज़ार करता है तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। जल्दी जल्दी से ऑफिस के काम ख़त्म करके घर पहुँचना है, घर में पार्टनर इंतज़ार करता है, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इन जिम्मेदारियों को देखते हुए ही इंसान अपने आप को समय नहीं दे पाता, ना के बराबर हो जाता है। पांचवा एक जो बदलाव आता है शादी होने के बाद, वो आता है फ्यूचर प्लानिंग। देखिए अभी तक आप जो करते थे जैसे करते थे आपका चलता था, लेकिन अब आपका पार्टनर आपसे जुड़ गया है, पार्टनर के बाद आपके बच्चे हो जाएंगे, तो आपको फ्यूचर प्लानिंग देखनी पड़ती है। अभी तक आप जो कमाते थे, मम्मी पापा ने जैसे खर्च किया या आपने जैसे खर्च किया, आपने सेविंग नहीं की, लेकिन अब सेविंग की तरफ बढ़ना पड़ता है क्योंकि अब आपको फ्यूचर को लेकर चिंता है, अपने बच्चों के करियर को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी शादी को लेकर, अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए, मतलब बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। अभी तक नहीं करते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको सोचकर ही काम करना पड़ता है, सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ता है कि ये करूँगा या ये करूँगी, ये सही रहेगा क्या, हम लोगों के लिए सही रहेगा। अब तक आप अपने लिए सोचते थे, लेकिन अब आपके साथ दो चार और जुड़ गए हैं, क्या उन सबके लिए सही रहेगा। सोच समझकर डिसीजन लेना पड़ता है। यही पांच बदलाव हैं जो शादी होने के बाद आ जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, प्लीज़ इनको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।